गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लोग चैप्टर सेकंड में साइंस में, ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन ये पढ़ चुके थे। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। आज की हेडिंग है द माउथ एंड द वोकल्स कैविटी। कल मैंने आपको इसमें थोड़ा समझाया था, ठीक है। आज कल थोड़ा सा बताया जाए, आज आपको पढ़ना है एक्टिविटी 2.2, ठीक है। इसकी एक्टिविटी हमें 2.2 पढ़ना है। दिया हुआ है वॉश योर हैंड, अपने हाथ को धुलिए, लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। और मिरर के सामने अपने टीथ को आपको काउंट करना है कि आपके कितने टीथ हैं, ठीक है, दांत कितने हैं। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। आपको अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज करना है फील करने के लिए दांत को, ठीक है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। आपको कितने टाइप्स के जो टीथ हैं आपके मुख में आपको मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के टीथ आपको दिखाई दे रहे हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट। कह रहा है कि आपको एक छोटा सा टुकड़ा एप्पल का लेना है और एक ब्रेड का, और उसे आपको खाना है, ठीक है। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। किस दांत का यूज हम बाइटिंग और कटिंग यानी बाइट करने के लिए और काटने के लिए कर रहे हैं। एंड विच वन फॉर मिसिंग एंड टीयरिंग, और किसका यूज जो है हम उसको खींचने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट द वन ऑफ दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड निट, और किसका किन दांतों का यूज हम उसको चबाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे दांत जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कुछ का काम होता है चीरने फाड़ने का, ठीक है, उसके बाद दबाने का, चबाने का और पीसने का, ठीक है। किस तरह से हम इससे बहुत ज्यादा हमारा खाना जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2, और अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में आपको फिल करना है। देखिए टेबल 2.2 क्या है, इसमें आपको दिए हुए टीथ, मतलब कि ये टाइप्स ऑफ टीथ दिए हुए। सबसे पहले हमें ये समझना है कि टाइप्स ऑफ टीथ होते क्या, ठीक है। आपके दांत कौन कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग के, जैसे कि आपके टीथ बने होते हैं, जो स्टार्टिंग के टीथ होते हैं आपके, इस तरह से टीथ होते हैं, देखिए से होते हैं, जो स्टार्टिंग के आपके 4 टीथ होते हैं, जो स्टार्टिंग के आपके 4 टीथ होते हैं ये इस तरह के, ठीक है। ये जो 4 टीथ स्टार्टिंग के होते हैं जिससे आप कोई भी चीज होता है फाड़ने का यूज करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। ये जो आपके टीथ होते हैं इनको बोलते हैं इनसे, यानी कि कृंतक, ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं कृंतक, कृंतक, ठीक है। यहाँ पे लिखिए टाइप्स ऑफ टीथ, स्टार्टिंग के जो 4 होते हैं कृंतक, इसके बाद जो इसकी साइड के 2-2 होते हैं, ठीक है, साइड के जो 2-2 आपके होते हैं वो कैनाइन होते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं रंधनक, ठीक है। उसके बाद प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है।
संकेतक भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अव्यय वर्ण। ये आपके टाइप्स ऑफ टीथ है, ठीक है, चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये निमिडम वाले होते हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले दंतक आता है, फिर रधनक, इसी को हम छेदक भी बोलते हैं, ठीक है। ये साइड से दो दो दांत होते हैं, इसके बगल से फोर स्टार्टिंग जो होते हैं वो आपके होते हैं कृंतक। उसके जो साइड के दो दो होते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जैसे आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे ये फिगर आपका बना हुआ है इस तरह से, पूरा इसमें डिफाइन है, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। इसको आप बुक ओपन करके ही पढ़ेंगे, ठीक है। और जो टेबल आपकी 2.2 है उसमें दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ टीथ सबसे पहले दिया है, फिर आपको बताना है कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, जो काटने और फाड़ने वाले दांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो है चीरने फाड़े काम क्या, कौन से दांत करते हैं, ठीक है। उसके बाद चबाने और पीसने के जो जो वर्क होता है, जो आपका जो आप जैसे फूड कुछ भी खाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो महीन करके जो आप मतलब बहुत ज्यादा पीस छोटे छोटे पीस में डिवाइड करते हैं, वो कौन से दांत यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो कि आप फ्रंट के दांतों से कोई खाना या जो फूड लेते हो उसको चबा चबा खाओ तो नहीं खा सकते हो, ठीक है, आप साइड के दांतों का ही यूज करते हैं चबाने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ है अवर माउथ हैज अ सेल्वरी ग्लैंड विच सेक्रेट सेविया, ठीक है। डू यू नो दैट एक्शन ऑफ सेविया ऑन फूड, लेट अस फाइंड आउट। उसके बाद बोला गया यहाँ पे कि जो हमारे जो दांत मुख में होते हैं उसमें लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, थीके? जो लाल रस मतलब स्रावित होता है ये इसी से स्रावित होता है, जो लार होती है, ठीक है, लार ग्रंथि पाई जाती है जिससे हमारा लार स्रावित होती है। जैसे कि अगर आप खाना खाते हो तो आपने देखा होगा कि लार वगैरह निकलता है, जो लार होता है ये लार ग्रंथियों से ही होता है, निकलता है, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है कि इसका यूज ये होता है कि जो भी हम खाते हैं उसको ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे हमें उसको निगलने में आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि आप जानते हैं, डू यू नो कि आप जानते हैं एक्शन ऑफ सेल्वा ऑन फूड की मतलब लाल रस जो लार आपकी रस होता है इसका आपके भोजन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, आइए इसका पता लगाते हैं। एक्टिविटी देखिए 2.3 बोला गया टेक टू टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, लेवल देम ए एंड बी, जिसमें से एक का लेवल ए है, नेमिंग करनी है आपको बी, जिससे आपको फाइंड करने में इजी हो जाए, ठीक है। पुट वन टी स्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस, कह रहा है कि यहाँ पे एक टी स्पून यानी कि जो चम्मच होता है, ठीक है, चाय वाला चम्मच होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बॉइल्ड राइस लेना है। टेस्ट ट्यूब बी में कीप इट टी स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग ए फॉर 3 to 5 मिनट्स, कह रहे कि यहाँ पे उबलते चावल को डालना है परख नली में, ठीक है, और चम्मच उबलते चावल को लेके मुख से लेकर 2-3 मिनट तक क्या करना है उसको चबाना है, ठीक है, 3 से 5 मिनट तक उसको चबाना है और उसको दूसरी परख नली बी में लेके डालना है, ठीक है, बी में रखना है। उसके बाद बोला गया है एडेड 3-4 ml वॉटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, और 3 से 4 ml जो पानी है वो दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है। उसके बाद सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, और देखना है आपको दोनों परख नली में सोल्यूशन डालना है बिलियन, ठीक है, उसके बाद देखना है कि इसमें क्या चेंजमेंट हो रहा है, ऑब्जर्व करना है। फिर बोला गया नाउ प्योर 2-3 drops ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन को डालना है इन ईच केसेस, ठीक है, वाई देयर आर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज हुआ है वो क्यों चेंज हुआ है, ठीक है, कह रहा हूँ क्यों चेंज हुआ है, जिसमें आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला है उसका जो टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो चेंज हो गया है, तो क्यों चेंज हुआ है। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर, इस रिजल्ट को आपको अपने क्लासमेट और टीचर से डिस्कस करना है। द सेल्विया ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इंटू शुगर, जो बेटा आपका लार होता है उसमें स्टार्च होता है शुगर, यानी कि आपने जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का जो आपने टेस्ट किया था उसमें क्या था कि जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालते थे तो उससे उसका जो आपका फूड होता था उसका कलर चेंज हो जाता था, क्यों, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि जो आपने भोजन लिया उसमें स्टार्च की मात्रा है, स्टार्च प्रेजेंट है। द टंग इज फ्रेशली मस्कुलर ऑर्गेन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बुकल कैविटी। उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पे
कि लाल जो जीभ होती है, जीभ में क्या होता है कि एक पेशी अंग है, ठीक है, मांसपेशी अंग है ये आपका, ठीक है, सर्कुलर बोला गया, मस्कुलर बोला गया, मांसपेशी अंग है जो पीछे से मुख गुहा से क्या होता है कि अटैच होता है, ठीक है, जुड़ी होती है। और इसका जो आगे का भाग होता है वो एक फ्री होता है, उसको आप किसी भी तरह टर्न कर सकते हो, ठीक है, बाहर भी और इस तरह निकाल भी सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोला गया डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, क्या आप जानते हैं कि जो टंग होती है आपकी जीभ होती है इससे क्या फंक्शन होते हैं, इसका क्या वर्क होता है। वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, हम बात करने के लिए अपनी टंग का यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी जीभ कटी होती है वो बात भी नहीं कर पाते, यानी कि हम बोलने के लिए भी अपनी टंग का यूज करते हैं। बिसाइड्स इट मेक्स सॉल्विया विद द फूड ड्यूरिंग च्यू एंड हेल्प इन सॉल्विंग फूड, कह रहा है कि उसके बाद क्या होता है कि हम इसका कार्य क्या होता है बोलने के लिए, एक साथ साथ जो हम भोजन करते हैं उसमें इसमें लार होती है, ठीक है, लार को कार मतलब मिलाने में यूज करता है, ठीक है। उसके बाद इसको निगलने में भी सहायता करता है, जो हम खाना खाते हैं उसको निगलने में हमारी जीभ हमारी सहायता करती है। उसके बाद जीभ से ही हमें टेस्ट मिलता है, ठीक है, जब जीभ होती है उसी से हमें टेस्ट का पता चलता है, क्योंकि जीभ में हमारी टेस्ट की जो ग्रंथियां होती हैं वो पाई जाती है। एंड डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, अलग अलग टेस्ट हम उससे पहचान सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जिससे आप अपने टेस्ट की जो क्रियाकलाप होती है यानी कि जो ग्रंथियां होती है उसके किस तरह से जीभ टेस्ट को फाइंड करती है, अलग अलग टेस्ट को, अगर मीठा है तो आप तुरंत बता दोगे, चीज मीठी है, कड़वी लगेगी तो आप बताओगे, क्योंकि वो जीभ के थ्रू ही सारा काम होता है, ठीक है। तो बेटा जो एक्टिविटी 2.4 है ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। और आपका होमवर्क है कि आपके टाइप्स ऑफ टीथ और उनका वर्क, दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है।